हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि जुडिशरी होता क्या है, ठीक है, और जुडिशरी क्या काम करती है, ठीक है, और हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। तो अब हम इस पर पढ़ेंगे कि जो जुडिशरी है, ठीक है, उसका किस तरीके से उसके काम होते हैं, ठीक है, और जो हमारे लॉज है, ठीक है, जो हमारे लॉज है वो किस तरीके से डिफरेंशिएट हो रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो लॉ फॉलो होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लीगल सिस्टम की ब्रांचेस, हिंदी में धाराएं, दो धाराएं हैं, ठीक है, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने स्ट्रक्चर याद है, हमें वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉप पे कौन सा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना, और उसके नीचे कौन सा होता है, हाई कोर्ट, और सबसे नीचे कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, या और सबसे ज्यादा लोग कहाँ आते हैं, यहीं पे आते हैं, सबसे ज्यादा लोग कहाँ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और मैं समझाया था, ये जो तीनों ही कोर्ट है, ये सारे क्या है, इंटीग्रेटेड है, क्या है, इंटीग्रेटेड है, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्ट्स है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला लिया, तो वो फैसला तुम्हारा हाई कोर्ट में भी जा सकता है, यहाँ पे भी सुनवाई हो सकती है, और वो फैसला तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। जो मेन फैसला होगा, अगर यहाँ पे कोई फैसला है, ठीक है, उससे कोई कुछ नहीं है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी कोई फैसला है, इससे कोई कुछ नहीं है तो फाइनल फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। और ये एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक जाते कैसे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जाते हैं, है ना। तो इनको जाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपील, क्या करना पड़ता है, अपील, ठीक है। जब ये करेंगे, अपील करेंगे, तो क्या ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। एक और तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी केस को अपने अंदर बुला ले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी केस को अपने अंदर बुला ले, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकती है, ठीक है, बट ये कौन कर सकता है, हायर कोर्ट कर सकते हैं, लोअर कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट पर कोई केस चल रहा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बुला सकता, स्टेट ये हाई कोर्ट नहीं बुला सकता, या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं बुला सकता, ठीक है, बट इन दोनों का कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जैसे मैंने तुम्हें पिछले क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, किसका एग्जाम्पल दिया था, लक्ष्मण कुमार और उसकी पत्नी सुधा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो केस हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया था, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जो दो ब्रांचेस की बात करी थी, है ना, दो ब्रांचेस किसकी बात की थी, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ, उनमें क्या होता है, ठीक है, क्रिमिनल लॉज में हम कौन से केस लेते हैं और सिविल लॉ में हम कौन से केसेस लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ठीक है, फिर देखेंगे सिविल लॉ क्या होता है, फिर दोनों के बीच में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद तो ब्रांचेस होती है, ठीक है, इसके ब्रांचेस होंगे जुडिशियल, ठीक है, इसके ब्रांचेस होंगे जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम के या लीगल सिस्टम के, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगी, ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्रिमिनल, चलता है क्रिमिनल लॉ, और एक होता है, एक होता है सिविल लॉ, क्या होता है, सिविल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है पहले वो देखते हैं, क्रिमिनल लॉज में वो लॉज आते हैं या वो सारी बातें आती हैं जहाँ पे कोई क्राइम हुआ, क्या हुआ, हो क्राइम हुआ, ठीक है, और वो क्राइम कैसा होना चाहिए, बहुत खतरनाक होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज कि
कहीं पे डकैती हुई है, ठीक है, कहीं डकैती हुई है, ठीक है। दूसरा मर्डर हुआ है, ठीक है। तीसरा कहीं पे चोरी हुई है, मतलब थेफ्ट हुआ, क्या हुआ है, थेफ्ट हुआ, ठीक है। कहीं पे किडनैपिंग हुई है, ठीक है। तो इन सब चीजों में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल लॉ। और ये क्रिमिनल लॉ जो होता है इसको हम कौन से उसे देखते हैं, इसको देखते हैं हम सीआरपीसी, इसे देखते हैं सीआरपीसी। इसके लिए यहाँ पे सारी क्राइम्स के लिए क्या लिखी हुई है, पनिशमेंट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल सीआरपीसी, क्रिमिनल क्रिमिनल पीनल पीनल कोड, क्या नाम होता है, क्रिमिनल पीनल कोड, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, पनिशमेंट, क्या लिखे हुए हैं, पनिशमेंट, ठीक है। जैसे अब अगर किसी ने चोरी करी है तो उसको कितनी सजा देंगे, वो किस में लिखा है, इसमें लिखा है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको कितनी पनिशमेंट देंगे, सारी की सारी क्या लिखी है, इसमें लिखी हुई है, ठीक है, सीआरपीसी के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल पीनल कोड, ठीक है। एक होता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। एक होता है आईपीसी, एक होता है सीआरपीसी, ठीक है। तो सीआरपीसी किस पे अप्लाई होता है, जहां पे क्रिमिनल लॉज की बात करते हैं, जहां पे किसकी बात करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, सबसे पहले क्या फाइल करना पड़ता है, एफआईआर फाइल करना पड़ता है, एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। जब ये फाइल हो जाती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल हो जाती है किसी कोर्ट में, क्या होता है, फाइल हो जाता है। फाइल होने के बाद वो फिर कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर वहां पे क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो उस पर क्या करता है, सुनवाई करता है, क्या होता है, सुनवाई करता है। जैसे ही एफआईआर फाइल हुई उसके 24 घंटे के अंदर जो भी अक्यूज है, क्या है, अक्यूज, अक्यूज मतलब आरोपी, क्या है, आरोपी, उसको विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स वहां पे पेश करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। ये उसके पास क्या होता है, एक लॉ होता है जो उसको बोलते हैं कि जैसे ही किसी को हिरासत में लिया गया है, ठीक है, या किसी पे एफआईआर हुआ है और उस एफआईआर के अंदर एक्शन करके उसको क्या जेल में बंद किया गया, तो उसको विदिन 24 घंटे कहां पेश करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसके सामने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने। समझ में आ गया। तो यहां पे कौन से आते हैं, यहां पे डकैती, मर्डर, थेफ्ट या किडनैपिंग जैसे क्राइम, सीरियल क्राइम्स हुए हो, उनको क्या बोलेंगे, हम किस लाएंगे, किसके थ्रू गवर्न होते हो, क्रिमिनल लॉज, किसमें आते हैं, क्रिमिनल लॉज, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसमें सजा क्या होती है, अगर इसमें कोई गिल्टी पाया जाता है, गिल्टी मतलब जो उसने गलती करी है वो उसको प्रूव हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका जो आरोप है वो क्या जाता है, सिद्ध हो जाता है, आरोप जो है वो सिद्ध हो जाता है, तो उसको जेल हो सकती है, और इवन जेल और इवन क्या हो सकती है, डेथ पेनल्टी, क्या हो सकती है, डेथ पेनल्टी, ठीक है, उसको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, इसके अंदर क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तुमने बहुत सुना होगा 302, सुना है ना मूवीज में कि धारा 302, तो धारा कौन सी होती है, होती है सीआरपीसी की, कौन सी होती है, सीआरपीसी 302। सीआरपीसी के अंदर क्या होता है, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर क्या होता है, सेक्शन 302 होती है, वो पता है किसके पास होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो, लेट्स सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को मौत की सजा सुनाई, ठीक है, तो हाईकोर्ट उसको मौत की सजा से चेंज कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, मौत की सजा से चेंज कर सकता है, उम्र कैद कर सकता है, या
आजीवन कारावास कर सकते हैं, ये पता है ना, आजीवन कारावास मतलब जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा, ठीक है। और जेल में एक बात पता है क्या, जेल में जो एक दिन है उसको एक दिन नहीं गिनते, दिन को एक दिन गिनते हैं और रात को भी एक दिन गिनते हैं, मतलब एक दिन में कितने दिन हो गए, दो दिन। जिसको 7 साल की सजा होगी मतलब उसको कितने दिन, 7 साल की अगर सजा होगी उसको 3.5 साल ही जेल में रहनी पड़ेगी, क्योंकि इसका दिन और रात दोनों ही काउंट होता है, ये डबल, एक दिन वो जेल में रहेगा तो समझ लो 2 दिन जेल में रहा है, इस तरीके से जेल में काउंटिंग होती है। एक दिन सब रात को छोड़ देंगे क्योंकि रात को भी कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्या ठीक है, एग्जैक्टली तो कोई मतलब होता होगा वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो पता ठीक है, याद है, समझ में आ गया क्या होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, कि जहाँ पे डकैती मर्डर थेफ्ट या किडनैपिंग जैसा कोई भी क्राइम हुआ हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो एफआईआर रिपोर्ट होती है, क्या होती है, एफआईआर रिपोर्ट होती है, फिर एफआईआर रिपोर्ट होने के 24 घंटे के बाद क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, देन उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना वर्डिक्ट मतलब अपना डिसीजन सुनाती है उस डिसीजन में उसको जेल भी सकते हैं, इधर उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। मैं नोट कर लो, यहां तो अब हम बात करेंगे सिविल लॉ की, ठीक है। सिविल लॉ जो होता है वो रिलेटेड होता है हमारे पर्सनल राइट्स, राइट्स जो हमारे राइट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड होता है, अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो हम जो केस करेंगे वो केस किसके अंदर सुना जाएगा, सिविल लॉ, ठीक है। और किस और कौन सी चीज इसके अंदर आती है, अगर कोई प्रॉपर्टी का इश्यू हो, इश्यू हो प्रॉपर्टी का, ठीक है, जैसे रामू और शामू दो भाई है, दोनों भाइयों के एक मतलब दोनों भाइयों के जो पापा थे उन्होंने जमीन बहुत सारी ली थी, ठीक है, और जब उसके पापा मर गए तो बंटवारा हुआ नहीं था तो दोनों भाई जमीन को लेकर लड़ने लगे, तो उस चीज को किसमें सुना जाएगा, सिविल लॉ, किसमें सुना जाएगा, सिविल लॉ, ठीक है। और रेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या तुम्हारे चलान हुआ, कोई चलान लगा, कोई तुमने ड्राइविंग लाइसेंस से सब ड्राइविंग रूल्स ब्रोक करे है ना, ये सब किसमें सुने जाएंगे, सिविल लॉ में, किसमें सुना जाएगा, सिविल लॉ, ठीक है। इसमें किसी भी एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बस क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करवानी, मतलब डायरेक्टली केस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, केस डायरेक्टली इन द कोर्ट। और कौन से कोर्ट में डायरेक्टली केस होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तुम कभी भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ हो, और तुम्हारे जो नीचे के जो दोनों कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट वो दोनों तुम्हारी बातें नहीं सुन सकते, तब तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बट अगर वैसे तुम्हारा कोई सिविल का कोई केस है तो किसमें जाओगे तुम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तो डायरेक्टली केस कर सकते हैं। साथ में और क्या होता है, इसमें कोई भी इसमें जेल हो सकती है, क्या सकते हैं, इसमें जेल हो सकती है, बट इसमें बट नो डेथ पेनल्टी, नो डेथ पेनल्टी। अब बताओ दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई होगी, ठीक है, और एक भाई को ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, एक भाई को कम प्रॉपर्टी, तो कोर्ट इस केस में एक भाई को मौत की सजा सुना देगा, नहीं सुना, अब सुनाएगा तो क्या बात का सेंस होगा, नहीं होगा ना, इसीलिए इसमें कोई भी डेथ पेनल्टी नहीं होगी, मतलब इसमें कोई भी सीवियर क्राइम आता ही नहीं है। अब प्रॉपर्टी क्या है, दो बंदों में झगड़ा हो गया, ठीक है, रास्ते पे चलते चलते दो बंदों में झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी बात को लेके, तो वो सब किसमें आएंगे, सिविल लॉ में, सिविल लॉ में। बट अगर उन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो गया साथ में, एक बंदे ने उठा के सब पोड़ मोड़ दिया उसका, ठीक है, और गुस्से में दूसरे ने चाकू मार के खून कर दिया, तो उसमें चला जाएगा सिविल लॉ में, चला जाएगा क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। तो इसमें इसमें एक चीज होती है, फाइन बहुत होता है, ठीक है, इसमें क्या लगता है, फाइन लगता है, ठीक है, इसमें फाइन नहीं लगता, इसमें फाइन लगता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी सिविल और क्रिमिनल लॉस। अब हम आगे बात करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में यही होंगे, सुनना है,
जो लिखवाती है डिफरेंसेस है, है ना, कि इसमें किस तरीके के क्राइम होते हैं, डकैती, चोरी, चकारी, है ना, ये सब इसमें हो गया, और इसमें सारे कौन से हो गया, हमारे राइट्स है, प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी रेंट, कोई भी डिस्प्यूट होता है ऐसा, तो किसके अंदर आता है, सिविल लॉ, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में, कि जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे, ठीक, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट एक ही है और हाई कोर्ट भी 25-26 ही है, ठीक है, तो इतने सारे कोर्ट हैं, बट ये कोर्ट्स क्या हर बंदे के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई भी बंदा जाके केस कर सकता है, कर सकता है ना, कोई भी बंदा जाके केस कर सकता है। अब मान लो कि कोई आदमी है जो अनपढ़ है, उसे पता होगा अपने राइट्स के बारे में, उसे पता होगा कि मुझे राइट टू फूड है, अगर मुझे खाना ना मिले तो मेरा जो राइट टू फूड है वो क्या होगा, वॉयलेट होगा, क्या होगा, वॉयलेट होगा, उसको ये पता होगा नहीं, क्योंकि उसने तो पॉलिटी पढ़ी नहीं है, है ना, उसने पॉलिटी पढ़ी नहीं, उसको लॉस के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे लोग के साथ जब कुछ बुरा होगा तब वो कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, है ना, तो उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 1980 में एक सर्विस, मतलब एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है PIL, ठीक है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, PIL की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी, है ना, इसी बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, देखो जो पढ़ा लिखा होगा, है ना, उसको तो अपने राइट्स का पता होगा, ठीक है, अपने राइट्स का पता होगा, बट जो एक अनपढ़ होगा उसको अपने राइट्स का पता होगा, नहीं पता होगा, है ना, जो पढ़ा लिखा होगा उसको अपने राइट्स का पता होगा, जो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अपने राइट्स का पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हें तुम्हारे राइट्स के बारे में ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कोई राइट वॉयलेट हुआ है, होगा ऐसा नहीं होगा ना, मतलब ऐसी बात हो गई कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, बट तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम खर्च कर पाओगे नहीं, नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हारे पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है फ्रिज में बट तुम्हें पता ही नहीं है खाना है, तुम खा पाओगे नहीं, नहीं। तो उसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भर भर के क्या दिया हमें, राइट्स दिए, भर भर के राइट्स दिए, और वो राइट्स हमें पता ही नहीं है तो हम उनका यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो एक जो पढ़ा लिखा होगा उसको अपने सारे राइट्स पता होंगे तो उनको अच्छे से यूज कर पाएगा, ठीक है, बट अनपढ़ लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाती थी तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया, PIL, ठीक है, PIL में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक थर्ड पर्सन, क्या एक थर्ड पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है, क्या कर सकता है, थर्ड पर्सन कोर्ट में जाके केस कर सकता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, इसके साथ कुछ बुरा हुआ बट इसको कोर्ट के बारे में, राइट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो इसका केस ये जो थर्ड पर्सन है ये PIL की मदद से कहां लेके आ सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है, कहां ले जा सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है, ठीक है, तो इस PIL ने क्या करा, जो हमारा जुडिशरी है उसको और ज्यादा क्या करा, अवेलेबल किया, क्या करा, और ज्यादा अवेलेबल किया, हर तरह के लोगों तक इसको पहुंचाया, ठीक है, चाहे अब आपको अपने लॉस के बारे में पता हो या ना हो, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो आपकी हेल्प करेगा। अभी थर्ड पर्सन होते कौन से, ये थर्ड पर्सन बहुत सारे होते हैं, मेनली इनमें आते हैं NGOs, कौन आते हैं, NGOs कौन से होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे मुद्दों पे क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL डालते हैं, ठीक है, तुम सुनते होगे आजकल कि इस केस पे PIL डाल दी, उस केस पे PIL डाल दी, है ना, तो जिसके साथ हुआ है वो नहीं डालता है, ठीक है, कोई और ही इसको कहा क्या है, कोर्ट में लेके जाता है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी बुक में भी बहुत सारे केसेस का जिक्र है, जैसे तुम्हारा मिड डे मील होता है ना स्कूल में, है ना, तो वो मिड डे मील नहीं पॉसिबल हो पाया, पता है किसके वजह से, क्योंकि इसी पब्लिक लिटिगेशन की वजह से, PIL की वजह से ही वो क्या हो पाया, वो तुम्हारा जो मिड डे मील स्कूलों में चलता है वो पॉसिबल हो पाया, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं,
उनको पढ़ना, तो समझ में आएगा कि किस तरीके से PIL ने, किस तरीके से PIL ने हमें बहुत सारे राइट्स हमें दिलवाए, ठीक है, बहुत सारे राइट्स दिलवाए। तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर जुडिशरी की। जुडिशरी में हमने क्या क्या पढ़ा आपका? हमने पढ़ा कि जुडिशरी का काम क्या होता है, ठीक है, उसके काम में हमने क्या पढ़ा कि वो डिस्प्यूट सेटल्स करती है, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू करती है, और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, प्रोटेक्टर है, ठीक है, वही हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या मतलब बचा के रखता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और किस तरीके से ये तीनों की तीनों क्या है, इंटीग्रेटेड है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें कितनी ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस है, एक है क्रिमिनल, एक है सिविल, ठीक है। क्रिमिनल लॉज में कौन से आते हैं, जिसमें कोई डकैती या चोरी, मर्डर, ये सब हुआ, वो सब कुछ आएगा क्रिमिनल लॉ में आया हुआ। क्रिमिनल लॉ जो होता है वो गवर्न किससे होता है, सीआरपीसी से, किससे होता है, सीआरपीसी, सीआरपीसी का होता है क्रिमिनल पिनल कोड, ठीक है। और जो हमारा सिविल होता है, सिविल में कौन सा होता है, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, इंडिविजुअल का डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, रेंट का डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, सिविल लॉ में आएंगे, ठीक है। सिविल लॉ में ये गवर्न किसके अंदर होता है, ये होता है आईपीसी के अंदर, बताना भूल गया था, किसके अंदर होता है, आईपीसी, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, कोड नहीं होता, कोड होता है, और सीआरपीसी क्या होता है, क्रिमिनल पिनल कोड, ठीक है। ये क्या है, कोडिफाइड लॉज है, क्या है, कोडिफाइड लॉज, ठीक है। इन्हीं के अंदर क्या लिखी है, पनिशमेंट लिखी है, क्या लिखी है, पनिशमेंट लिखी है, कि अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ है तो उसके अंदर हम कौन सी पनिशमेंट देंगे, वो सारी इसमें लिखी हुई है। और उसमें बात करें सेक्शन नंबर 302, जिसके अंदर क्या करा जाता है, मौत की सजा दी जाती है, है ना, फिर हमने पढ़ा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ जुडिशरी है वो किस तरीके से बढ़ गई, कब बढ़ी है, ये पब्लिक इंटरप्रिटेशन कब आया, 1980, कब आया, 1980 में, ठीक है। कौन लेके आया इसको, सुप्रीम कोर्ट, कौन लेके आया इसको, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्यों लेके आया, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों में और ज्यादा जस्टिस जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, अनपढ़ लोग अपने लिए केस नहीं कर पाते थे, बट PIL की मदद से अब वो भी, उनकी भी हेल्प होगी, किसकी मदद से, PIL की मदद से, ठीक है, कि कोई उनके भी यहाँ पे केस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ आ गया चैप्टर में, इस चैप्टर में अब हमें बस नहीं पढ़ना, ठीक है।